Today is day 3 of वो चार दिन. सो यस वी हैव रीच्ड एट आर डेस्टिनेशन. अरे यार सुबह सुबह ना आज पूछो ही नहीं क्या हुआ, मतलब उठा ही नहीं जा रहा था क्योंकि वी स्लेप्ट रियली लेट. वी स्लेप्ट अराउंड 5 or 5:30. उस टाइम पे जब सोने का टाइम होता है तब नींद नहीं आती है, और जब उठने का टाइम हो जाता है तो फिर बहुत नींद आती है. एंड यस दैट्स अ प्रॉब्लम, अ बिग प्रॉब्लम. तो रात में जब नींद नहीं आ रही थी आई वॉज सुपर एनर्जेटिक. मुझे ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट मॉर्निंग में ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, ये बोलूंगी वो बोलूंगी, लेकिन आज अभी इस टाइम पे मेरी थोड़ी सी हालत टाइट है और आई एम फीलिंग रियली लो इन एनर्जी. तो ठीक है, बट आना तो था, आ गए हम. इनफैक्ट मैंने ताकि मैं मतलब वाइड अवेक रहूं, मैं इसीलिए आज हेड वॉश करके आई हूँ. मतलब आई डिड अ माइल्ड प्रोसीजर एंड पुट लॉट ऑफ कंडीशनर सो दैट कि अब मैं घर जाऊंगी एंड आई विल टेक प्रॉपर शावर एंड आई विल थॉरली वॉश माय हेयर. तो एक तरीके से डीप नरिशमेंट भी हो जाए. तो एक तो इस वजह से आई थॉट कि चलो कर लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि नींद आए और आँख जो है वो खुले ही नहीं, और इसकी वजह से और मुझे ड्राइव भी करनी थी. तो आई वॉन्ट कि मैं मतलब वाइड अवेक रहूँ वाइल ड्राइविंग और अच्छा फील करूँ. सो या दैट इज़ द करेंट सिचुएशन ऑफ हेयर एंड एवरीथिंग. और पता है जब हम लोग ब्लॉग नहीं कर रहे होते हैं या फिर नहीं बोल रहे होते ना, तब ऐसा लगता है अब मैं जब भी कैमरा ऑन करूंगी आई विल से दिस आई विल से दैट. बट जब कैमरा खुल जाता है आप सामने अपने आप को ही देख रहे होते हो कैमरा पे, तो मतलब कहीं ना आप कॉन्शियस होने लग जाते हो. और अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रही हूँ. आई थिंक आई शुड मेक मोर ब्लॉग्स एंड अपलोड इट, क्योंकि मैं आज सिर्फ थर्ड डे ही हुआ है एंड आई एम फीलिंग क्वाइट कम्फर्टेबल विद दिस होल थिंग, लाइक कैमरा पे बोलना और अपनी बातें बोलना. चाहे अपने आप से ही बोल रहे हो अभी करेंटली, ऐसा लगता है कि अपने आप से ही बोल रहे हैं, बट आई नो एक बार हैबिट लग जाएगी देन आई विल डू इट मच बेटर. तो ये है. इनफैक्ट आप मेरी कोई प्रीवियस वीडियो भी देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि पहले मैं कितना कैमरा कॉन्शियस हो जाती थी. मतलब आई वाज नॉट समवन कि फोटोज क्लिक करवाते हुए या बोलते हुए मैं हमेशा कॉन्शियस रहती हूँ, बट दिस इज डिफरेंट थिंग, यू नो. मतलब आप इसको एक ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने वाले हो, कुछ भी बोल दोगे, कुछ गलत बोल दोगे, कुछ सही बोल दोगे, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल जज यू. हालांकि आई want to overcome this, like वैसे मुझे इतना मैटर नहीं करता, बट यार कभी कभार तो मैटर कर ही जाता है. आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. तो लगता है मैं इतनी वल्नरेबल भी नहीं रहना चाहती लोगों की कॉमेंट्स पे या फिर वो जज कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर यूट्यूब पे भी नहीं हो ना तो भी मतलब डे टू डे लाइफ पे आप जज हो ही रहे हो. सो ये चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए. तो इसीलिए थोड़ा सा लगता था शुरू में कि हाँ आप कुछ डाल रहे हो कैसा, मतलब लोग देखेंगे क्या बोलेंगे. इनफैक्ट जो आपको जानते हैं ना वो भी ऐसा कुछ बोल सकते हैं जो आपको अच्छा ना लगे, बट इन्हीं चीज़ों से तो ऊपर बढ़ना है, और जब इन्हीं चीज़ों से ऊपर बढ़ेंगे तभी तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ करेंगे. ये चीज़ें पता होती हैं, बट कई बार ना वो गट्स आ नहीं पाते हैं. बट आई एम हैप्पी इन 2020 आई टुक दिस इनिशिएटिव, और 2021 में उसके कुछ अच्छे पॉजिटिव वो भी दिखे. मतलब लोगों ने मेरे कुछ वीडियोस बहुत पसंद करे, और कुछ वीडियोस तो ऐसे थे जो मैंने बिल्कुल ही रैंडम अपनी मतलब ऐसी ही डाल दी थी, उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. तो वो होती है ना फायर, कि आप किसी चीज को जलाए रखना बहुत मुश्किल होता है. मतलब किसी चीज को स्टार्ट करना इज वेरी इजी एंड उसको एंड करना भी इज इजी, बट टू कीप गोइंग विद इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो जब आप लोगों का रिस्पांस मिला, कुछ लोगों ने मुझसे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट भी करा, उन्होंने मुझसे आके बात भी करी चैट पे मैसेजेस के थ्रू, तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि लोग देखो आपने तो कुछ डाला लेकिन दे आर लाइकिंग इट. तो और क्या चाहिए यार, है ना.
एक और चीज है कि कुछ टाइम पहले मैंने कुछ वीडियो अपलोड करी थी रिगार्डिंग माय स्टडी शेड्यूल, मतलब मैंने कैसे प्लानिंग करी है उसमें और मेरा प्लानर. एंड देर वर फ्यू पीपल हु आस्क मी टू रिवील माई प्लानर कि मैंने कैसे प्लानिंग करी है, कि वो उनको हेल्प करेगा अगर मैं प्लानर शेयर करती हूँ, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे स्टार्ट करें. तो गाइज आई एम रियली सॉरी कि मैं उसमें थोड़ा लेट हो गई. मैंने इनफैक्ट सोचा था कि मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली ना आई एम नॉट मेकिंग एन एक्सक्यूज. हाँ, तो मेरा फोन ना खराब हो गया था, और मेरा फोन खराब हो गया था, इवन मेरी मदर का भी फोन खराब हो गया था. सो आई वॉज हैविंग नो मोबाइल, और उस टाइम पे काफी मतलब दोनों मोबाइल सर्विस सेंटर पे थे, और वो एंथू भी थोड़ा सा ब्रेक हो गया जो मैं कंसिस्टेंसी से कर रही थी. तो और उसके बाद अभी मैं फिलहाल बहुत ज्यादा बिजी चल रही हूँ. मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे से रिलेटेड हैं इनडायरेक्टली, बट डायरेक्टली नहीं है, बट स्टिल आई एम गोइंग वेरी बिजी और काफी हेक्टिक भी हो जा रहा है. तो अब आपको बताऊं, मैंने ना जब प्लानर सेट करा था तो मैंने एक और चीज साथ में प्लान करी थी कि जो भी सामान या ग्रोसरी शॉपिंग. तो अभी एक कॉल आ गया था, सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन. तो मैंने अपनी वीडियो देखी कि मैं कैसे बोल रही हूँ, मतलब कैमरा एंगल ठीक है, क्वालिटी ठीक है. एंड आई रियलाइज कि ये जो मेरे स्पेक्स हैं दे आर लाइक थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दे रहे हैं. सो आई विल जस्ट टेक देम आउट. एंड गाइस लेट मी टेल यू, सी मेरे आईलाइनर को जरा ध्यान से देखो, ये और ये. आज मेरा अचानक मन करा कि लेट मी जस्ट अप्लाई सम लाइनर और थोड़ा सा विग निकाल लूं, और आई वॉज इन रश. तो देखो कितना डिसगस्टिंग तरीके से लगा है, मतलब एक विंग कहीं जा रही है और विंग भी नहीं है यार, वो थोड़ा सा ऐसे उसको क्या कहते हैं, टेल टाइप हो गई है, बस ऐसे ही लग गया यहाँ पे और एक लग गया यहाँ पे, सब उलपटांग. मतलब बट ठीक है, मुझे सही लग रहा है, बट आप प्लीज इग्नोर दिस मिस. हाँ, तो अब मैंने स्पेक्स उतार दिए तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से दिखेगा ये मेरा उलपटांग अवतार, बट ठीक है. तो या आई वॉज टेलिंग यू कि मैंने जब प्लानर सेट करा था देन आई ऑल्सो प्लान्ड कि ग्रोसरी या फिर जो भी मतलब एसेंशियल चीज होती है घर के लिए, क्योंकि फिलहाल क्या है कि मैं ही ऑर्डर कर रही थी घर पे, मैं अभी अपने पेरेंट्स के यहाँ पे. एंड आई वॉज डूइंग एवरीथिंग कि ऑर्डर कर लो सामान एंड उसको फिर सैनिटाइज करो एंड टू कीप इट और ये सब चीजें. और ऑनेस्टली बोलूँ मैंने इससे पहले ना कभी कुछ ऐसा करा नहीं है, तो मे बी मेरा मैनेजमेंट पुअर था, क्या था, इनफैक्ट मैनेजमेंट ही पुअर था. अभी भी बहुत बेटर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो पहले था उससे बेटर हुआ है. एंड आई बिलीव कि जैसे जैसे टाइम और बीतेगा मेरे को और चीजें भी मैनेज करनी आ जाएंगी. तो मैंने क्या कर रखा था कि ऑन एवरी वेडनेसडे आई विल प्लेस ऑर्डर, नॉट ऑन वेडनेसडे बट ऑन ट्यूजडे आई विल प्लेस ऑर्डर एंड आई विल रिसीव माई ऑर्डर ऑन वेडनेसडे, एंड देन आई विल डू ऑल द सैनिटाइजिंग थिंग एंड कीपिंग दोज थिंग्स इन कंटेनर्स एंड एवरी थिंग, मैनेज एवरी थिंग. तो एक दिन मेरा डेडिकेटेड था वेडनेसडे, जिसपे मैं स्टिल मैंने प्लानर जब बनाया था तब मैंने सोचा था कि वेडनेसडे आई विल काउंट फॉर माई स्टडी एज वेल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं थोड़ा सा टायर्ड हो जाती थी, तो कई बार मिस हो जाता था, तो थोड़ा बैकलॉग भी चल रहा था. तो अब जैसे मैं आज वेडनेसडे है, आई प्लेस्ड ऑर्डर ऑन मंडे एंड येस्टरडे आई डिड एवरीथिंग विच आई सपोज टू डू ऑन वेडनेसडे. तो मैंने ट्यूजडे को ही सारा काम कर लिया है एंड आई एम वेरी टायर्ड, यू नो. एक तो आई एम ऑन माई पीरियड्स, तो मेरी तो बैंड बजी पड़ी है इस टाइम पे. तो यही था कि मैंने अपना सारा काम कर लिया है. तो आजकल इतनी बिजी चल रही हूँ कि जो मैंने प्लानिंग कर रखी थी ना इनिशियली, वो भी थोड़ा सा मेरी डिस्टर्ब हो गई है. तो ठीक है, करना पड़ता है, लाइफ हमेशा वैसी नहीं होती जैसे, मतलब प्लानिंग से कभी नहीं चलती है. इट्स लाइक कभी कभी रैंडम चैलेंजेस आ जाते हैं, आप कुछ सोचते हो कुछ हो जाता है, फिर आपको उन चीजों से उसके अकॉर्डिंग डील करना पड़ता है. तो यार ये सब तो पार्ट है, इसका तो कुछ नहीं है. तो अल्टीमेटली ये सब बताने का रीजन ये था, आई एम रियली सॉरी कि मैं अपना प्लानर नहीं शेयर कर पाई आप लोगों से, बट आई प्रोमिस दैट आई विल टेक 2 डेज एंड आई विल डेफिनेटली अपलोड इट. तो मैं आप लोगों से बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ, और अगर आप लोगों से हेल्प मिलती है तो इससे ज्यादा कोई और खुश नहीं होगा जितना मैं हूंगी.
तो थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट कर लो, मैं जल्दी से अपलोड करती हूँ। और वैसे जो भी मैंने जैसे भी प्लान कर रखा है उससे ना आप लोगों को ये हेल्प हो जाएगी कि उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हर किसी का ना शेड्यूल अलग होता है, कुछ ना कुछ होता है, तो मतलब आप उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, जो मैंने जिस तरीके से प्लान करा हुआ है। आई थिंक ये एंगल भी थोड़ा ठीक है। सो टुडे इज़ अ सनी डे, इतना बुरा नहीं लग रहा है, इट्स क्वाइट प्लेजेंट। इनफैक्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी बारिश हुई है ना, तो बहुत ऐसा हो गया था, वेट वेट और हर जगह से गंदी सी स्मेल आ रही है, मतलब आप बाहर निकल जाओ। इनफैक्ट मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ना, अगर मैं अभी ये विंडोज खोल दूँ या डोर खोल दूँ तो इतनी गंदी स्मेल है ना, मतलब कोई भी मर सकता है यहाँ पे। सो आई एम नॉट जोकिंग, आई एम वेरी सीरियस, मतलब सीरियसली यहाँ पे बहुत गंदी स्मेल है। तो अच्छा ही है, इसलिए मैंने डोर्स बंद कर रखे हैं एंड कार में एसी चला रखा है ताकि एटलीस्ट मैं कंफर्टेबली तो बैठ सकूँ। तो अभी मैंने बाल ऐसी एक मेसी बन बना लिया है और आप देख सकते हो मेरे सर पे थोड़े से सींग है, देख रहे हैं आप लोगों को, ये जो है ना ये पता नहीं क्या हो जाता है। वैसे टूटते क्यों हैं जब ये आने होते हैं, और ह्यूमिडिटी और ये मानसून टाइम में तो बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब मॉर्निंग में उठती हूँ ना ऐसे बाल खड़े होते हैं मेरे ऐसे। सो आई डोंट नो कि इनके साथ क्या करना है। मैं पहले ना बहुत सारी पिंस लगा लेती थी, फिर वो भी ना इधर से उधर लूज होती रहती हैं, अगर कुछ हेयर ज़्यादा ही सॉफ्ट हो रखे हैं तो फिर वो भी इधर से उधर पता नहीं कहाँ घूमती रहती हैं। तो करेंटली इट्स 10:15 और मैं यहाँ पे 11:30 तक बैठने वाली हूँ। एंड ऐसा है कि आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। आई थिंक कि मैं एडिटिंग करूँगी, आई हैव नॉट एडिटेड द लास्ट वीडियो ऑफ डे टू, सो वो एडिट करती हूँ मैं एंड देन आई विल ट्राई टू अपलोड इट टूडे। और या एंड देन आई हैव दिस वीडियो ऑल्सो टू अपलोड इट, एंड देन देर इज़ वन प्लानर थिंग वीडियो जो मैंने अभी तक बनाई नहीं है इनफैक्ट, तो वो भी जल्दी से बना के अपलोड करनी है। एंड देन देर विल बी डे फोर ऑफ दिस, वो 4 दिन। ओके तो पहले तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, वो 4 दिन का क्या मतलब है। वो 4 दिन मीन्स 4 डेज वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि हम लोगों का रूटीन की अच्छे से बैंड बजी पड़ी है। इट्स लाइक कि हम लोग है ना दोनों लकीली नाइट आउल है, तो हम दोनों जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं वो रात में ही होते हैं। मतलब रात ऐसा होती है कि अपनी लगती है, मतलब उस टाइम पे अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं फील करोगे। मतलब मेरे साथ तो ये होता था, मतलब अपने इंजीनियरिंग के टाइम पे या फिर लॉ के टाइम पे आई वॉज लाइक कि रात में ही बस पढ़ाई हो सकती है। और ये मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं है, दिस इज समथिंग बहुत नेचुरली आता है। मतलब आई फील मोर प्रोडक्टिव ड्यूरिंग नाइट एंड आई फील गुड, लाइक मतलब ज़्यादा मैं फोकस्ड और अच्छा फील करती हूँ जब मैं रात में करती हूँ कुछ भी। और इनिशियली तो मेरे घर वालों को कुछ समझ नहीं आता था कि क्या मैंने मैसअप कर रखा है। इनफैक्ट अभी भी पूछूँ ना तो शायद सब यही कहेंगे कि यार रूटीन ठीक कर लो, ऐसा नहीं। बट अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है उन लोगों ने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, और वो लोग पता नहीं या तो समझते हैं या फिर सोचते हैं कि क्या ही कहना, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ करा नहीं अलग से मैंने कि हाँ मैंने मॉर्निंग मेरा हो गया और रूटीन, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो फिर शायद अब वो भी थक गए होंगे कह कह के। बट यू नो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत नेचुरली आती हैं, आपने अपने आप नहीं करी होती है। एंड लकीली दैट इज़ द केस विद ललित ऑल्सो, कि हम दोनों ही इनफैक्ट ऐसे हैं कि जिनको रात में काम करना पसंद है। अभी ये 4 दिन निकल जाएं देन वी विल बी लाइक थोड़ा सा डिसेंट टाइम पे आ जाएं एंड वी विल सेट आर रूटीन थोड़ा सा, क्योंकि अब लगता है कि थोड़ा सा रूटीन सेट कर लेना चाहिए सिंस कॉलेज लाइफ इज ऑल्सो ओवर। और कुछ अब पढ़ाई से रिलेटेड फिलहाल नहीं है, बट या पढ़ाई से रिलेटेड है बट एक होता है ना कॉलेज और स्कूल का रूटीन होता है, उसके साथ मतलब और चीज़ें ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब जो पढ़ाई करनी है ना वो अपने आप करनी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यू हैव टू गो समवेयर। वैसे तो कोविड में कोई कहीं जा नहीं रहा है बट स्टिल लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मतलब
होम क्लासेस तो चली रही है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि होम क्लासेस हैं। कुछ लोग है ना मुझे पागल समझ रहे होंगे, क्योंकि आई एम टॉकिंग ऑन फोन, और यहाँ से जो भी जा रहे हैं, जो भी पास हो रहे हैं, दे आर लाइक मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, बट ठीक है। मैं उनको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते, तो मजा आ रहा है। एनीवेज तो या तो इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा रूटीन ठीक करते हैं। तो वो 4 दिन का मतलब ये था कि हमें इतने टाइम बाद ना, ऐसे 4 दिन थे और वो किसी वजह से थे, तो हमें जल्दी उठना पड़ रहा था। और अभी आज 3rd डे है एंड देर इज स्टिल 1 डे टू गो, और वो है टुडे इज वेडनेसडे एंड वी विल बी कमिंग अगेन ऑन सैटरडे। सो सैटरडे को मतलब आफ्टर 2 डेज 4th डे विल कम एंड वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन वी हैव टू कम हेयर। तो ये है, तो इसके लिए टाइटल था कि वो 4 दिन, क्योंकि वो 4 दिन ना मतलब हमें पता है कि हम कैसे उठे हैं। आई मीन सोचो यार, 1-1.5 घंटे के बाद यहाँ आना, फिर यहाँ पे भी वेट करना एंड देन फिर यहाँ से जाना, फिर यहाँ से जाके नहाना, नहा के फिर खाना, और खा के फिर सो जाना। वाओ क्या लाइफ है, नहीं? तो बस अच्छा, मुझे ना इनफैक्ट बोलते हुए ना थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा ओपन अप हो सकती हूँ, पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है। अदरवाइज ना शुरू में मुझे मालूम है, जब मैं वीडियो बना रही थी, आई वॉज सो स्केयर्ड कि भाई मतलब मेरे को पता है कि मैंने एडिटिंग करी थी। एडिटिंग वाला पार्ट तो आई एंजॉय, मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाता है उस पर एडिटिंग में, लेकिन आप उसमें अपना वो दिखा सकते हो, टैलेंट दिखा सकते हो, आप थोड़ा सा आर्टिस्टिक साइड दिखा सकते हो एडिटिंग के टाइम पे। लेकिन जब आप कैमरे पे बोलते हो ना, और स्पेशली या तो मैं सी आई एम शूटिंग ऑन माई फोन, ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग एनी कैमरा राइट नाउ। और देखो इतना बड़ा ट्रक भी जा रहा है मेरे साइड से, हाँ सॉरी, मैं इतना डिस्ट्रैक्ट होती रहती हूँ ना बोलते हुए। तो आई एम शूटिंग ऑन माई फोन, तो क्या होता है ना, जब आपको खुद दिख रहे होते हो ना, तो आप ऐसे लगता है, अरे यार मैं ना ऐसे बोल रही हूँ, मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं, मैं कैसे बोलती हूँ। पहले तो मुझे ना फर्स्ट वीडियो के बाद ना मैंने अपने को इतना क्रिटिसाइज करा कि मैं कैसे कैसे बोल रही हूँ, मतलब मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं ऐसे शक्लें बनाती हूँ, बट हाँ यार ऐसे ही हूँ मैं, मतलब एक्सेप्ट करा फिर मैंने कि हाँ मैं ऐसे ही हूँ। अरे पता है आप लोगों को एक फनी बात बताती हूँ, व्हेन आई वाज इन कीनिया नैरोबी, तो वहां पे ना आई जस्ट लाइक फर्स्ट टाइम था जब मैंने यूट्यूब पे ना लोगों के ऐसे वीडियोस देखे जिसमें वो डेली व्लॉग्स बना रहे हैं या फिर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहे हैं। रिव्यू वाले तो मैंने इनफैक्ट पहले भी देखे थे, लेकिन दैट टाइम ना आई यूज टू सी बाहर के लोगों का, मतलब नॉट इंडियंस, जो बाहर लोग मतलब आउट ऑफ इंडिया लोग हैं, उनके उन यूट्यूबर्स के मैं रिव्यूज देखती थी किसी भी प्रोडक्ट को लेके। तो उतना मुझे पता था कि लोग उसको करते हैं, तो मुझे लगता था ठीक है, अच्छी बात है, मतलब प्रोफेशनल है, उनका काम है ये, ठीक है। बट मेरे को ना समझ नहीं आता था कि वो काम कैसे कर रहे हैं, मतलब उससे क्या बेनिफिट हो रहा है उन्हें, क्योंकि एक होता है ना बस एजुकेशन लो और फिर उसके बाद आप जॉब करो, ये वाली चीज मुझे समझ में आती थी, 9 to 5 जॉब या प्राइवेट कंपनीज की जॉब, लेकिन यूट्यूब का मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो ठीक है, मैंने इतना सोचा भी नहीं उसके बारे में। जब मैं किनिया गई तो आई वॉज लाइक लुकिंग फॉर सम इंडियन ब्रांड्स, और वहाँ के रिव्यूज देख रही थी, तो मुझे कुछ यूट्यूबर्स दिखी। इनफैक्ट ये चीज़ स्टोरी ना मैंने अपनी एक वीडियो अबाउट मी में भी शेयर करी है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कुछ रिव्यूज देखे, तब भी मुझे लगा चलो जैसे बाहर के लोग कर रहे हैं वैसे ये इंडियन यूट्यूबर्स भी हैं जो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, एंड दैट्स ओके, ठीक है। फिर मेरे को ना दिखा कि डेली ब्लॉग का कॉन्सेप्ट दिखा, तो उसने मुझे ना मतलब बहुत मतलब क्या कहते हैं, अच्छा लगा, और मुझे लगा यार कुछ ऐसा करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही मैंने कीनिया में एक बार वीडियो बनाई थी इसी से मोटिवेट होके, और मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई अपने इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन तो मैंने पता नहीं कहाँ ही छोड़ दिया था, कुछ शुरू तो पता नहीं इंट्रोडक्शन से करा था, उसके बाद मैंने इतने एक्सप्रेशंस बनाए, इतने एक्सप्रेशंस बनाए, और टेलिंग यू ऑनेस्टली कि जानबूझ के नहीं बनाए थे, इंटेंशनली बिल्कुल भी नहीं बनाए थे, लेकिन मैं इतनी कॉन्शियस थी ना कि वो अजीब अजीब से एक्सप्रेशंस बनते ही चले गए। और एट द एंड ऑफ द डे मैंने डिसाइड करा नहीं मैं इसे अपलोड नहीं कर रही, क्योंकि शुरू तो करा था इंट्रोडक्शन से और पता नहीं मैं कहाँ चली गई। देखो इतनी बड़ी क्रेन जा रही है मेरे साइड से।
तो मेरे को ना बिल्कुल ऐसा था कि पता नहीं बोल क्या रही हूं मैं, और इतना पता नहीं घुमा फिरा के, क्योंकि मुझे ना मतलब 100 तरीके की कॉन्शियसनेस हो रही थी. मतलब मुझे था फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ, कैसा रिएक्शन होगा, अबाउट मी बता रही हूँ, अबाउट मी मैं कितना बताऊं कितना नहीं बताऊं. इस चक्कर में ना मैं बताना चाह भी रही थी, बात स्टार्ट करती थी और फिर उसके बाद बीच में रोक देती थी, एब्रप्टली बिल्कुल रोक देती थी वो बात कि भाई इसके आगे नहीं बताना है, इसके आगे डिटेल बताना सही नहीं है, अभी तो फर्स्ट वीडियो है, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, पता नहीं. अभी मुझे लगता है पता नहीं मैं कितना सोच रही थी, क्यों सोच रही थी. इनफैक्ट मैं बनती ऐसे थी कि नहीं यार मेरे को तो कोई परवाह नहीं है लोग क्या बोले क्या नहीं बोले. इनफैक्ट जब मैं ड्यू जाती थी ना तब मतलब मुझे कोई मतलब मैं बॉदर ही नहीं होती थी मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, कैसी लग रही हूँ, कुछ भी नहीं सोचती. बट वीडियो बनाते हुए ना मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीज़ है मेरे अंदर एंड आई हैव टू गेट ओवर दिस. तो बहुत ही बकवास वीडियो थी. और अगर आप लोग देखना चाहते हो तो उस वीडियो को मैं कभी, आप मेरा अबाउट मी देखोगे ना, अबाउट मी वाला वीडियो देखोगे तो उसमें आपको उसका छोटा सा पार्ट मिल जाएगा उस एम्बैरेसिंग वीडियो का. इनफैक्ट वो वीडियो मेरे पास है भी अभी, और उसको मैंने एज अ मेमोरी सेव करके रखा हुआ है कि देखना चाहिए आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हो, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है. और कंपटीशन ना किसी और से नहीं होना चाहिए, कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए कि पहले आप कैसे थे और अब आपने नेक्स्ट डे या नेक्स्ट नेक्स्ट मोमेंट आपने क्या ग्रो करा है, मतलब अपने आप में क्या ग्रोथ हुई है आपकी. सो यस. तो अच्छा एक और चीज, अब ना कभी कभी क्या होता है मेरे को ना रह रहे के ना पता नहीं मैं सही में ना पागल हूं. मतलब कभी कभी ना मेरे को क्या होता है कि रिग्रेट्स होने लग जाते हैं, विच इज नॉट गुड. मतलब मैं कितनी बार, मतलब मुझे मालूम है कि कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, कभी कुछ ऐसे सोचना नहीं चाहिए, स्पेशली उन चीजों के बारे में जो आपके कंट्रोल में नहीं है. तो अभी क्या ना कभी कभी मुझे लगता है यार मेरे पास उस टाइम पे कितना अच्छा कॉन्टेंट था वेन आई वॉज इन केनिया, स्पेशली इन दिस पीरियड जब कोविड चल रहा है, लॉकडाउन भी था और हम घर में ही थे. तो मुझे ना और ज्यादा ना मतलब अर्ज होती थी कि आई विश कि वो टाइम वापस आ सके, रिवाइंड हो सके एंड मतलब मैं किसी तरह के से वो मोमेंट्स फिर से रिलिव कर सकूं. तो उसके चक्कर में ना मतलब कभी कभी मुझे रह रहे के लगता है कि यार आई विश कि मैंने उस टाइम पे वीडियोस बनाई होती एंड अपलोड करी होती, तो आज मैं उन वीडियोस के थ्रू ही वो मेमोरीज वापस से रिलिव करती, उनको देखती तो मुझे लगता कि हाँ मैं अभी भी वहीं पे हूँ, अभी भी मेरी लाइफ का वो पार्ट है. तो वो बट ऑनेस्टली मैंने उस टाइम पे ना कभी वीडियोस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, और उस टाइम पे मैंने सिर्फ फोटोज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी थी. तो जो भी मेरे पास कंटेंट है वीडियो से रिलेटेड, फोटो से रिलेटेड, मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी, क्योंकि देखो आप लोगों से तो शेयर हो ही जाएगा, आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि अगर आप ओवरसीज जाते हो तो कैसे रह सकते हो या कैसी जगह है वो पर्टिकुलर प्लेस कैसी है. और इनफैक्ट उसको बनाने में मुझे भी मजा आएगा, मुझे लगेगा कि मैं वापस से वही मोमेंट्स दोबारा से जी रही हूँ. और क्या है ना मेरे लिए भी वो एज मेमोरी हमेशा के लिए सेव हो जाएगी. तो जब भी मेरा मन करेगा आई कैन ऑल्सो वॉच माई ओन वीडियोज एंड एंजॉय इट. तो यस आई एम प्लानिंग टू डू सो. और अच्छा था यार, अच्छा टाइम रहा है मेरा. जब इन 2016 व्हेन आई गॉट मैरिड, उसके बाद मेरा आई थिंक 5 टाइम्स मैं कीनिया गई हूँ, 4 या 5 टाइम्स तो गई, मिनिमम 4 टाइम्स एंड आई थिंक 5 टाइम्स, पता नहीं याद नहीं है. कंटेंट बनाऊंगी ना तब मुझे सब याद आ जाएगा, क्योंकि आई हैव ऑल द डिटेल्स लाइक मैं कब से कब तक के लिए गई थी, मुझे डेट्स भी मिल जाएंगी. क्योंकि या दैट्स द वे हाउ आई यूज टू क्लिक पिक्चर्स एंड सेव माई मेमोरीज की हाँ वापस देख सकते हैं. बट नाउ आई विल क्रिएट वीडियो आउट ऑफ दैट, तो फिर मुझे यकीन है कि और अच्छे से बन जाएगी. तो कुछ क्लिप्स भी होंगी, सब कुछ होगा, मतलब मैं सब कुछ कंपाइल करके ना आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड इट. तो कीनिया हो गया, देन फॉर हनीमून आई वेंट टू रशिया. ओ बाय द वे रशिया का भी जो सीरीज बन रहा था वो भी इतना स्लो डाउन हो गया ना, मतलब क्या ही बताऊं मैं. मैंने रशिया का सारा कंटेंट ना अपने फोन पे रखा हुआ था सो दैट आई कैन इजीली एडिट इट व्हेन एवर आई गेट टाइम. बट क्या ही बताऊं, जब मेरा फोन खराब हो गया तो मेरा सारा डेटा भी डिलीट हो गया एंड नाउ आई हैव टू डू इट अगेन. और उस अगेन के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है अभी, तो आई विल मेक श्योर कि मैं जल्दी से उस पर भी काम करूं. बट अभी जो मैंने बताया ये भी
वो 4 दिन वाला सीरीज ये वाला खत्म करूं। और हाँ, ये जो 4 दिन का सीक्रेट है ना, ये भी मैं जल्दी रिवील करूंगी, इसकी टेंशन मत लो। ऐसा नहीं है कि मैं इसको 1-2 साल बाद करने वाली हूँ, आई विल रिवील इट वेरी सून। तो यस, ये भी रिवील करेंगे, और सबसे पहले प्लानर का बना देंगे यार, बता देंगे लोगों को, अगर जिनको भी हेल्प हो जाए तो अच्छा ही है ना, तो वो करेंगे। बस अब थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊं तो देन आई विल गेट बैक टू रशिया फर्स्ट, एंड देन कीनिया का भी अपलोड करेंगे। कीनिया में मेरे बहुत सारी मेमोरीज है मेरी, और मैंने बहुत सारी फोटोज क्लिक करी है उस टाइम की। आई हैव स्मॉल स्मॉल क्लिप्स ऑल्सो, कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स हैं, एंड अच्छा लगता है यार। मैं करीबन वहां पे 2 साल रही हूँगी, आना जाना मेरा लगा रहा था इंडिया, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के बिना भी नहीं रह सकती हूँ। तो वहां पे होती थी तो यहाँ की याद आती थी, और यहाँ होती थी तो ललित की याद आती थी। तो मैं पता नहीं, मतलब मैं उसी उसमें ना रही, मतलब आई रिमेम्बर जब मैं एयरपोर्ट से आ रही होती थी, इतना रो रही होती थी, इतना रो रही होती करके, मतलब लोग मुझे पागल ही समझते होंगे। इनफैक्ट एक बार तो इतना मुश्किल हो गया था छोड़ के आना, मेरी आईज इतनी स्वेल्ड थी और मेरे इतना हेडेक हो रहा था रो रो के। और उसके बाद मैंने, पता है कौन सी मूवी देखी थी, कौन सी मूवी थी वो, सरबजीत, रणदीप हुड्डा, ऐश्वर्या राय। अरे यार, इतनी ऑसम एक्टिंग करी थी, और ऊपर से मेरा हेडेक ऑलरेडी हो रहा था और मैं रो रही थी ऑलरेडी, और उसको देखने के बाद तो मैं और रोई। फ्लाइट पे कभी कभी ऐसी मूवीज मिल जाती हैं। इनफैक्ट यस, एक मूवी और थी, इंग्लिश मूवी थी और मैं भूल गई, वो मैंने इतना ढूंढा था कि मुझे कहीं ऑनलाइन मिल जाए, वो हॉरर थी। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बहुत ही अच्छी हॉरर होगी, अच्छी थी नो डाउट, लेकिन जितनी मैंने हॉरर सोची थी ना कि डर लग जाएगा, उतनी नहीं थी। तो वो जब मुझे फ्लाइट पे मिली थी, मैं जब दुबई जा रही थी तब वो मिली थी, तो दुबई की फ्लाइट का जो टाइम था ना वो उतना लंबा नहीं था, तो वो मूवी लकीली मेरी कंप्लीट हो गई। लेकिन एक मूवी है, ए दिल है मुश्किल, वो मूवी जो है मैंने देखी थी नैरोबी से एडिस अबाबा के टाइम पे, और वो मूवी थी कुछ ज्यादा लंबी, और एडिस अबाबा की फ्लाइट थी थोड़ी छोटी, थोड़ा सा ही टाइम लग रहा था, हॉल्ट था बेसिकली वहां पे। तो जब मैं फ्लाइट पे थी और वो मुझे मूवी मिल गई ए दिल है मुश्किल, तो आई थॉट कि चलो यार गिव इट अ चांस, देख लेते हैं। मैंने देखनी स्टार्ट करी, और आज का दिन है, इतने साल भी हो गए, मैंने उसका एंड ही नहीं देखा। मतलब आई रिमेम्बर कि वहां पे रणबीर कपूर का कुछ था, ऐश्वर्या के साथ अफेयर चल रहा था, और बस मुझे वहीं तक देखने की अपॉर्चुनिटी मिली थी फ्लाइट में, और उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसको दोबारा देखूं या उसका एंड भी देखूं, इतना कष्ट मेरे से हो नहीं पाया। इतना कष्ट कर लेते तो फिर आज पूरी मूवी तो कह सकते थे देख ली, लेकिन हमसे हो ना पाया। इसी बात पे याद आ रहा है, चल देख लेंगे किसी दिन, बट क्या करें, तो थोड़ा सा ना मुझे बोरिंग सी लगी थी मूवी, बट ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं, और दुबई की मेमोरीज हैं मेरे पास, मैं दुबई गई थी। अभी तो मुझे लगता है कि पता नहीं हो क्या गया है, मतलब कितना टाइम हो गया यार कहीं गए हुए, कभी कभी ना मुझे बहुत लगता है, बट फिर लगता है यार क्या रिस्क लेना है, और क्यों ऐसे केयरलेस सिटीजन जैसे काम करना है कि यार अपना तो खुद तो करोगे, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाओगे। घूमना ही तो है, आगे घूम लेंगे, और जिंदा रहे तो घूम ही लेंगे ना, और अगर बहुत ज्यादा गंदी सिचुएशन आपकी वजह से होनी शुरू हो जाती है, मतलब एक एक इंसान से तो होती है ना, चीजें बढ़ जाती हैं, तो क्यों करना है वो। तो लास्ट ट्रिप मेरी थी नैनीताल, आई वेंट इन जनवरी लास्ट, बिल्कुल लास्ट, मतलब 30 या 31 को, इन 2020, सो जस्ट बिफोर लॉकडाउन इन मार्च वी हैड दिस ट्रिप टू नैनीताल, और वो भी हमने 1-2 दिन की बनाई थी स्पेशली ओनली फॉर स्नोफॉल। हमने ना पूरा प्रिडिक्शन चेक करा था कि मसूरी में है स्नोफॉल, मतलब रैंडम प्रोग्राम था कि हमने यार स्नोफॉल नहीं देखी है, लेट्स डू इट दिस ईयर। तो हमने फटाफट से देखना स्टार्ट करा, माय पेरेंट्स वर इंसिस्टिंग ऑन मसूरी की, मसूरी जाओ वहां पे तो दिख जानी चाहिए, चांसेस होंगे तो। बट हम जो वेदर देख रहे थे ना उसमें ना मसूरी का ना दूर दूर तक स्नोफॉल नहीं था, मतलब खत्म हो चुका था जब तक हमने, हमारे दिमाग की बत्ती जली और हमने सोचा कि भाई हम लोग देख के आए, लेकिन तब तक टाइम निकल चुका था। फिर हमने ना सोचा कि चलो नैनीताल का चेक करा, तो नैनीताल हम चले गए। लकीली लकीली वहां पे, मतलब
लोग पहले कह रहे थे कि नहीं आपको ना मिलेगी नहीं, अभी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, अब नहीं मिलेगी, या फिर आपके लिए ना मतलब स्नो के लिए ना एक अलग सा टेम्परेचर चाहिए होता है, एक अलग सा वेदर चाहिए होता है, पता नहीं कौन सा किन चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, तब जाके स्नोफॉल होती है। हमने इनफैक्ट जो वहां पे होटल के लोग थे उनको भी बोल रखा था कि भाई जब होना तो प्लीज हमारे डोर जरूर नॉक कर देना, आपकी मॉर्निंग ड्यूटी है अगर ऐसा कुछ होता है तो। एंड आई रिमेम्बर कि हम लोग जब सो रहे थे तो रात में हमें इतनी घुटन हो रही थी, मतलब ठंडा था वहां पे बट ना उन्होंने हमें ऐसे बता रखा था, घुटन सी होने शुरू हो जाती है, बहुत गर्म सा होता है जब स्नोफॉल होने वाली होती है या हो रही होती है उस टाइम पे, ठंडा उसके बाद ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोगों को ना रात में ऐसे लग रहा था यार घुटन हो रही है, कहीं स्नोफॉल तो नहीं होने हो गई शुरू, और ऐसे कर करके हम लोग बार बार चेक कर रहे थे। तो वो रात बहुत डिस्टर्ब निकली, और फिर हमने सोचा, हमने सारी होप्स खो दी, मतलब हमने गूगल कर रहे थे, हम टाइम देख रहे थे, तो वो बता रहा था वेदर फोरकास्ट की 4 बजे होगी, 3 बजे भी बोल रहा था, 2 बजे भी बोल रहा था, मतलब मैं सॉरी उल्टे टाइम पे चली गई, लेकिन ऐसे से करके बोल रहा था। तो हम लोग 2 बजे भी देख रहे, 3, 4, 5 भी बज गए, फिर हम लोग बड़े डिस्टर्ब नींद भी सोए। फिर मॉर्निंग में ना हमने सोचा चल यार कुछ नहीं, एक आउटिंग हो गई, और नहीं देख पाए तो नहीं देख पाए, आगे कभी देख लेंगे। जैसे ही हमने 10 या 11 बजे ललित ने डोर खोला, सामने हमने क्या देखा, लकीली स्नोफॉल हो रही थी। एंड ही वॉज लाइक, आई वॉज नॉट वेयरिंग ग्लासेस एट दैट टाइम, तो मुझे तो कुछ दूर का दिख ही नहीं रहा था, ठीक है। एंड ही वॉज लाइक लवली, सॉरी माई निक नेम इज लवली, तो ही वॉज लाइक लवली सी ये बारिश हो रही है, नहीं ये बर्फ है, स्नोफॉल हो रही है, नहीं 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 बारिश हो रही है। सो ही वॉज लाइक सुपर एक्साइटेड एंड सुपर कंफ्यूज कि हो क्या रहा है, मतलब बारिश तो कोई भी रिकोगनाइज कर लेगा, बट ही वॉज लाइक गेटिंग, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था उसको भी कि स्नोफॉल हो रही है हमारे सामने, और हमारे होटल स्टाफ ने ना हमें बताया भी नहीं, और मिस भी हो जाती हमारी, थैंक्स टू देम। बट बाई चांस हमने खोल लिया था डोर और हमें दिख गई, फिर वो होटल जिनको बोला, फिर जो होटल के स्टाफ को जो हमने बोला था वो हमारे सामने आ गए, आप लोग लकी थे, लोग आते हैं कितना वेट करते हैं, कभी कभी तो दिखती नहीं है उन्हें स्नो, 5 5 दिन भी रुक के जाते हैं, और आप लोग लकी थे कि आप लोगों को दिख गई। एंड आई वॉज लाइक भैया आप कब बताते, जब खत्म हो जाती तब बताते। सो दैट वॉज अ मेमोरेबल ट्रिप, और उन्हीं मेमोरीज के सहारे हम अभी तक घर में टिके हुए हैं और अभी टिके रहेंगे। यस लेट बी स्ट्रांग। बाय द वे अभी मेरी वैक्सीन नहीं लगी है, अभी मैं इसी मंथ वैक्सीन बुक कराने वाली हूँ अपना स्लॉट, एंड आई विल गेट वैक्सीनेटेड। तो उसके बाद जब सेकेंड डोज हो जाएगा उसके बाद वेट करेंगे कि पूरी इम्यूनिटी आ जाए, एंड देन ऑल्सो वी विल सी कि करंट सिचुएशन कैसी रहती है उस टाइम पे, मतलब कितने केसेस हैं, और अगर हम जा पाए तो वी विल प्लान अ स्मॉल ट्रिप, ओनली स्मॉल ट्रिप, कि थोड़ा सा चलो लेट्स एस्केप समवेयर एंड नॉर्मल रूटीन से थोड़ा हटके कुछ करें यार, क्योंकि आई नेवर इमेजिनड दिस लाइफ कि भाई घर के ऐसे काम, मतलब ठीक है अच्छी बात है, मतलब आई हैट्स ऑफ, लिटरली हैट्स ऑफ दोज लेडीज जो पूरा देन इनफैक्ट पूरी लाइफ घर में लगा देती हैं यार, अपने हस्बैंड, अपनी किचन में, अपने बच्चों के लिए, और सीरियसली यार इट्स सो डिफिकल्ट, मतलब इस टाइम पे ना मैंने एक ग्लिम्स देखी है उस लाइफ की, एंड इट्स अ टेरिबल लाइफ, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। मतलब एक होता है ना, आप ऑफिस जाते हो, वहां से आ जाते हो, वहां पे 4 लोगों से मिलते हो, फ्रेंड सर्कल होता है, मिलाते हो, वहां के चैलेंजेस अलग होते हैं ऑफिस के, घर के तो काम कभी खत्म ही नहीं होते यार। इट्स वेदर इट्स संडे और एनीथिंग, एनी पब्लिक हॉलीडे, नथिंग डूइंग, घर के काम तो घर के काम है, आपको करने ही करने, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और फिर हर चीज को मैनेज करना, घर हो गया, किचन हो गई, और फिर जो ग्रोसरी शॉपिंग होती है ना, आई स्वेयर उससे तो मेरी बैंड बजा रखी है, मतलब कभी मैं ऑर्डर करती हूँ, आई यूजली ऑर्डर फ्रॉम बिग बास्केट, तो उसमें एक ऑप्शन होता है ना, मतलब आपने जो स्लॉट बुक कर रखा है उसमें आपका सामान आ रहा है तो आप बाद में एड ऑन्स भी कर सकते हो, तो मेरे साथ तो यही होता है, कई बार ना भागते भूगते करती हूँ, मतलब मुझे दिमाग में रहेगा कि यार मेरे को ये चीज मंगानी है, नाउ आई विल प्लेस ऑर्डर नेक्स्ट वीक, आई विल मेक श्योर टू एड दिस इन माई लिस्ट, बट जब ऑर्डर करते हैं तो वही चीज आप भूल जाते हैं, तो ऐसा मेरे साथ हुआ था, बट अभी एक हफ्ते का सुकून है, कुछ करना नहीं है ऐसा, सच अपना बस हो गया अभी, एंड आई एम श्योर अपना टाइम आएगा, इसके बाद जरूर आएगा, और यस
आई थिंक मैंने बहुत बोल लिया है, मुझे इतना अच्छा लग रहा था बोल के, मतलब आज मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ एंड आई एम फीलिंग दैट सेम एनर्जी जो मेरे को नींद नहीं आने के टाइम पे आ रही थी. तो मुझे लग रहा था मैं पता नहीं क्या बोलूंगी, ये बोलूंगी वो बोलूंगी. इनफैक्ट आज मैं बिल्कुल कॉन्शियस नहीं फील कर रही हूँ, आज मैंने बिल्कुल अपने दिल की बात बोली आप लोगों से. इनफैक्ट मेरे को अच्छा लग रहा है, आई थिंक आई शुड डू मोर ब्लॉगिंग एंड यस डेली ब्लॉग्स बनाने चाहिए, अपलोड करने चाहिए. अच्छा फील हो रहा है, अच्छा फील होता है अगर आप ऐसा कुछ करते हो. तो आई डोंट नो ये मैं कब अपलोड करूँगी, क्योंकि इससे पहले तो डे टू का व्लॉग जाएगा एंड आई विल ट्राई टू एडिट इट सून. और आई थिंक विद इन टू डेज आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड इट ऑल्सो. और या आप लोग अगर देख रहे हो ये वीडियो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो. आपके एक सब्सक्रिप्शन से जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे किसी को मोटिवेशन मिलती है, उसका दिन बन जाता है एंड खुश भी हो जाता है. तो अगर आप लोग देख रहे हो आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कर दो यार, है ना. तो अभी यहाँ पे मैं बैठूंगी अभी और आई थिंक कि मुझे अब थोड़ा और टाइम यूटिलाइज कर लेना चाहिए. आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन माई डे टू वीडियो एंड उसे एडिट कर लेती हूँ मैं. यहाँ पे क्लाउडी सा हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि अभी बारिश होने वाली है, बट आप कुछ नहीं कह सकते, लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल एंड सो द वेदर इज. तो अब बस मैं बैठती हूँ यहाँ पे, एडिट करती हूँ एंड आई विल गेट बैक टू यू गाइज जब ललित वापस आते हैं एंड आई विल शो यू कि वो आके फिर से कैसे इशारे करते हैं. ही वॉज लाइक इधर ले लो गाड़ी, इधर ले लो, चलवाता है मेरे से कि मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी. और कई बार मैं खुद भी चलाना चाहती हूँ. मैं जैसे अभी इन दिनों में खुद चला के, मतलब मेरी खुद की इच्छा है कि मैं आऊँ, मैं यहाँ पर उसको ड्रॉप करूँ एंड आई विल पिक हिम अप. मेरी खुद की अंदर से दिल से इच्छा है, ठीक है, बट है ना हस्बैंड्स आर हस्बैंड्स. आके ना ही विल बी लाइक ऐसे ले लो, लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो. कभी कभी ना मेरे दिमाग में से ठप हो जाता है, मतलब मैं चला रही होंगी एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि यहाँ से लेफ्ट ले लो, लेफ्ट. और फिर ना मैं तब मुझे लगेगा इसने बोल दिया तो बस लेफ्ट ले लो, खत्म खत्म, बिल्कुल खत्म. उसने बोल दिया दिमाग ही मत लगाओ, लेफ्ट ले लो भाई. और जैसे ही लेफ्ट लेने लगते वहां से कोई बाइक निकल रही होगी शू, या कोई स्कूटी टू व्हीलर, तो ऐसे कहीं पे घुस जाते हैं. तो बस वहीं से निकलने की कोशिश हो जाती है, तो बस वहीं पे दिमाग बंद हो जाता है. जैसे लेफ्ट लेने को होंगे वहां से कोई निकलेगा, देन आई विल गेट स्कोल्डेड कि भाई बैक मिरर पे चेक नहीं करा था, पीछे कोई था. अरे अगर मैं खुद माइंड अप्लाई कर रही होती हूँ ना, देन आई मेक श्योर कि मैं सब जगह चेक कर लो, मतलब मेरे राइट साइड के मिरर पे, लेफ्ट साइड के, फ्रंट मिरर पे. बट किसी ने मुझे अगर बोल दिया कि लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, तब मुझे लगेगा अच्छा भाई चलो ठीक है करते हैं, फटाक से वहीं स्टीयरिंग मुड़ जाता है. बट अब मैंने उसको बोला है कि देखो भाई जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ ना, लेट मी यूज माई ब्रेन. अकेले भी मैं करती हूँ तो अकेले में मेरे को लगता है मैं ज्यादा बेटर चलाती हूँ और ध्यान से चलाती हूँ. और वैसे मेरा दिमाग ना सही हो जाता है, मतलब फिर मुझे लगता है कि मैं बस अब उसी के अकॉर्डिंग चला रही हूँ. अभी वो आएगा ना पक्का, वो इशारे करेगा एंड आई विल शो यू गाइस कि वो कैसे करता है. मैंने लास्ट व्लॉग में भी रिकॉर्ड करे हैं और अभी आप लोगों ने देखा नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि मैंने उसको एडिट भी नहीं करा है. आई विल एडिट इट एंड आई विल पोस्ट इट, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या चलता है एक्चुअली में, क्या चलता है. ऐसे बंदा अच्छा है, आई नो मैंने थोड़ी सी उसकी कंप्लेन कर दी है. यार ठीक है यार, इतना तो राइट बनता है, हस्बैंड है वो मेरा, पति कंप्लेन नहीं कर रही यार, इतना तो कह सकते हैं राइट है. तो ठीक है, आई विल सी यू गाइस इन लाइक आफ्टर 1 आवर. तो लेट मी गो एंड एडिट माय सेकंड वीडियो फॉर यू गाइस एंड आई विल अपलोड इट सून. सी यू 5 मिनट्स लेटर. ओ तेरे संग यारा, निकम्मा किया इस दिल ने. रहने दो यार, मुझे तो इसके लिरिक्स भी याद नहीं है. ना ये तन्हा दिल तन्हा सफर.
गली में फिरता है, तू क्यों बन के दीवाना। तो गाइस टाइम कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला। इनफैक्ट मेरी एडिटिंग भी हो गई है, बस उसमें थोड़ा बहुत काम बचा है, बिल्कुल थोड़ा बहुत। मतलब एक मुझे वाटरमार्क लगाने हैं और थंबनेल तो मैं अपलोडिंग के टाइम पे ही क्रिएट कर लूँगी, तो बस थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है मेरा, तो वो करेंगे, अभी कर लेंगे। और लोग जो हैं वो अब निकलने लग गए हैं वहाँ से, और ललित भी बस आने ही वाला होगा, सो आई एम वेटिंग फॉर हिम। तो मैं बिल्कुल रेडी बैठी हूँ, मैंने मतलब जो कार सीट थी जो बिल्कुल रिलैक्स्ड तरीके से सेट कर रखी थी ना, बस लाइक सिटिंग, वो भी मैंने आगे पीछे कर लिए ताकि वो आए और हम बस जल्दी से निकल जाए, मतलब एकदम स्पीड में। मतलब ये नहीं कि हम चलाएंगे स्पीड में, लेकिन बस अब निकल लें, क्योंकि चलो भाई घर जाके नहाए हैं, फिर उसके बाद सोना भी बहुत ज़रूरी है। बट यार आई एम एक्साइटेड यार, मैंने आज इतना बोला है, मतलब मैं अभी लास्ट वीडियो ही एडिट कर रही थी, उस पर भी मैं इतनी कॉन्शियस लग रही हूँ ना बोलते हुए। डैम इट यार, मतलब कल रात में पता नहीं क्या हुआ, कुछ जादू हुआ, और आई रियलाइज किया डरने की क्या बात है यार, आप सब अपने दोस्त ही तो, और कह लोगे कुछ तो कह लोगे, जो कमेंट्स अच्छे नहीं लगेंगे उनको इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करना भी आना चाहिए, इग्नोर की पावर भी आपके पास होनी चाहिए। एक्चुअली में इट्स नॉट अ पावर, इट्स सुपर पावर। सो या सुपर पावर यूज करनी चाहिए हमको इग्नोर करने की, तो इतना डरने का नहीं है। मैंने अब कल से सोच लिया कि भाई जैसे है ना वैसे ही बोलना है, वो ही बोलना है जो मन में है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा उस प्रोसेस में नहीं चलना है कि यार बोलूँ नहीं बोलूँ, कितना बोलूँ कितना नहीं बोलूँ, नो 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 नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। कम बेबी कम। आज इनफैक्ट ना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी अपने से बहुत सारी बातें करी हूँ, जो मेरे बहुत क्लोज हो, मैंने उनसे अपनी बातें शेयर करी हूँ। और आप सोचो इतना प्रोडक्टिव टाइम रहा, मतलब मैंने इतने अच्छे से इतनी सारी बातें करी, आगे पीछे की भी सारी कर ली, और उसके बाद एडिटिंग भी कर ली है, बस छोटा मोटा काम बचा है, वो घर जाके नहा धो के थोड़ा सा रिलैक्स होके कर लेंगे, हो जाएगा। सो सी अब देखना, मुझे लग रहा है अब ललित आ रहा है। मैंने दूर से ही पहचान लिया है, देखो यहाँ पे ये जो सर है ना, ये ललित का। यस आई एम राइट, यस यस, कम 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 कम। की बारी